الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ام وعليكم السلام चलें लोग लोगों लो गुस्सा ना करना हम गुस्से वाली बात बाद में करेंगे <laughs> 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 चलो उसको बाद में कंटिन्यू करेंगे एक और आई थिंक अहम सवाल था जिसको हम थोड़ा सा आज डील कर लें तो मामा पढ़ दें कई मतबा ऐसा होता है कि हम अल्लाह से बहुत गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं और अल्लाह ताला ने कहा है कि जो मुझसे मांगेगा मैं उसकी दुआ को सुनूंगा तो फिर हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती हैं ये बहुत अहम सवाल है और कभी कभार अरबी क्लास में भी और कुरान क्लास वग़ैरह में भी अगर कोई सवाल पूछता है तो इस तरह फर्ज़ करें कि सवाल का ताल्लुक स्टेप फाइव से है और उसको सही समझने के लिए स्टेप वन पे आना पड़ता है और पहले सारे स्टेप समझने पड़ते हैं फिर स्टेप फाइव समझ में आएगा तो इस सवाल के अंदर एक इसको ऐसे समझ लें कि ये शाख से मुतल है लेकिन इसका असर जवाब जड़ से मुताक है तो पहली बात जो करने की हमें हम सबको एक दूसरे को याद कराने की है कि हम कुछ बातें कहते हैं इस्लाम में लेकिन जो उस बात का नतीजा होता है ना उसके नतीजे से जो सोच में तब्दीली आनी चाहिए वो नहीं आती सब मानते हैं अल्लाह ताला हमारा रब है सब मानते हैं अल्लाह ताला के हम बंदे हैं सब मानते हैं अल्लाह ताला हमारा हाकिम है हम वो रब है हम आपदे हैं इसमें किसी को इनकार नहीं है शुरू से फातहा सैम कहते हैं अलहदुल्ल रबालमी या का नाबोदो ठीक है लेकिन इसके कुछ नतज निकलते हैं इस दावे के और इस बात को कबूल करने के देखें तो माम मेरा आपका रिश्ता है आपके मेरे ऊपर हक हैं और शुरू से पैदाइश से मेरे आप पर हक़ थे आपको मेरा ख़्याल करना था आपको जिम्मेदारी लल्ल त दी तो एक है मेरी जिम्मेदारियां और एक है मेरे हुकूक राइट और हर रिश्ते में स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता होता है उसमें टीचर की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और टीचर के कुछ हकूक़ होते हैं इसी तरह तालब इल की कुछ कुछ ज़िम्मेदारी होती है स्टूडेंट की और कुछ उसके हकूक़ होते हैं बीवी शौहर में ज़िम्मेदारियाँ और हकूक़ है। होती हैं सिटीज़न और गवर्नमेंट के दरमियान ज़िम्मेदारियाँ और हकूक़ होती हैं दोनों तरफ तरफ़िमेदारियाँ हैं और दोनों तरफ हकूक हैं राइट तो तमाम हमारे रिश्तों में एक ज़िम्मेदारी और एक हक़ का एक बैलेंस होता है हमेशा कभी हकूक़ ज़्यादा कभी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा कुछ ना कुछ इधर उधर होता है लेकिन होता ज़रूर है इसी तरह बिज़नेस में या कभी आप कुछ खरीदने जा रहे हैं तो ख़रीदने वाले की कुछ जिम्मेदारियां हैं और बेचने वाले की कुछ जिम्मेदारियां और दोनों के कुछ हुकूक हैं राइट तो हम ये हुकूक और ज़िम्मेदारी जो हर रिश्ते में पाई जाती है हम इसका कॉन्सेप्ट अलग करने से ना में नाकाम हो जाते हैं जब अल्लाह ताला की बारी आती है अल्लाह ताला के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें हक़ और ज़िम्मेदारी ये चीज़ आपको हटा देनी है अपने जहन से क्योंकि अल्लाह ताला हमारा रब है तो सारे हक उसके हैं और सारी जिम्मेदारी हमारी है असल में हमारा हमारे रब पे कोई हक है ही नहीं देखिए इस तरह समझ लें कि मेरा पेन है या मेरा ये कागज़ है मैं इसका पूरी तरह मालिक हूँ मैं इसका उसको फाड़ के फेंकूँ या उसको जलाऊँ या उसको अपने पास रखूँ उसका ख्याल इस पर मेरा पूरा इख्तियार है इसमें इस, इस कागज़ का कोई हक़ नहीं है क्योंकि मेरी इस पर पूरी तरह मालकियत है अल्लाह को हम पूरी तरह यानी इतलाक़ के साथ उसको हम अपना मालिक और हाकिम और रब मानते हैं तो इससे पहला नतीजा ये निकलता है कि हमने हक़ की बात छोड़ दी उसने जो कुछ दिया है वो उसने अपनी रहमत की वजह से दिया है नेमत की वजह से दिया है अपना उस, उसने अपना करम किया है लेकिन इसलिए नहीं दिया कि हमारा हक़ बनता था यह हो ही नहीं सकता कि हमारा हक़ बनता था इसलिए दिया है तो ये बहुत बहुत गहरी एक रियलाइजेशन है कि अल्लाह ताला ने इवन दो उसने हमारे ऊपर कितने कर्म किए हैं और कितनी रहमतें की हैं और कितनी हमें हिदायत दी है और सारा कुछ दिया है लेकिन पहली बात समझने की ये है कि हम अल्लाह ताला से मुतालबा ऐसे नहीं कर सकते जैसे किसी कस्टमर ने जो है कोई पैसे भेजे और उसको प्रोडक्ट नहीं मिली तो वो कहे भी मैंने तो पैसे भेज दिए मैंने अपना जो मेरा दौर था करने का जो मेरी करने का काम था मेरा करने का काम था मैंने कर, मैंने पेमेंट कर दी मेरी प्रोडक्ट किधर है डिले क्यों हुई है उसको गुस्सा आएगा उसको फ्रस्ट्रेशन होगी क्योंकि उसकी है उसका एक हक बनता है तो हम ये जहनीत पहली चीज़ जो समझने की बुनियादी चीज़ जो समझने की है ये जहनीत अल्लाह तला की तरफ लगाना गलत है हम उसने जो दिया है अपनी अपने, अपने फजल से दिया जो दिया उसकी नियमत इसीलिए हम अलहमद कहते हैं वर्णा तो ये होना कि हमने नमाज पढ़ी इसलिए हमारे घर की हिफाजत हो रही है या हमने दुआ की इसलिए हमारी सेहत है अल्लाह ताला हमें पेमेंट कर रहा है सेहत के साथ लेकिन अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं पहली बात तो यह है ना तबसुआ अल्लाह ला अल्लाह ताला की नेमतें इतनी हैं कि तुम तो उनको गिन भी नहीं सकते एक नेमत को नहीं गिन सकते बाकी को क्या गिनोगे कहने का मकसद ये है कि जैसे मैं मैं सांस ले रहा हूँ अभी वो एक नेमत है ठीक है लेकिन इस सांस ने मुझे पिछले एक मिनट में किस किस मुसीबत से बचाया है और किस किस तरह से मुझे फ़ायदा दिया है और कितने कितने मेरे जिसम के हिस्सों को फ़ायदा दिया है उसका मैं कभी पूरी तरह स्कोप तो कर नहीं सकता तो मैं किसी एक नेमत का भी अल्लाह ताला का पूरी तरह शुक्र अदा कर दूं वो मेरे लिए नामुमकिन ना है तो मैं फिर तो ये मैं कैसे समझ सकता हूँ कि मैं कुछ करूंगा जिसके बदले में अल्लाह ताला पे मेरा हक बनता है ये जहनीयत निकाल देने की जरूरत है लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने हमसे कहा है ये सब के बावजूद ये सब जानने के बावजूद कहा है मुझसे मांगो मैं जवाब दूंगा उध्री अस्त जब लको मुझे मुझे पुकारो मैं तुम्हारा जवाब दूंगा लेकिन जवाब भी समझने की ज़रूरत है इंसान जब किसी से कुछ चीज़ मांगता है मैं आपसे कुछ चीज़ मांगा आज जरा पराठे बना दें दिल चाह रहा है राइट मैंने पराठे मांगे आपने भी चावल बना दिए राइट तो आपको एक डिसअपॉइंटमेंट होगी मैंने मांगा कुछ था आपने बनाया कुछ या मैं तामुल कर लूंगा चले आप मांगा कुछ था आपने दिया कुछ वो आपकी मर्जी खैर शायद आप मुझसे खफा हैं या शायद आपको यू you नो know, दिल नहीं चाह रहा था बनाने का या शायद आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं इसलिए जो चीज़ मैंने मांगी थी वो आपने नहीं दी राइट ये ये इंसानी रिश्तों में होता है राइट टीचर कहेगा स्टूडेंट से कहेगा होमवर्क कर लेना स्टूडेंट ने नहीं किया या स्टूडेंट टीचर से कहेगा टेस्ट को जरा एक और हफ्ता डिले कर दे टीचर ने फिर भी डिले नहीं किया ये भी मुतालबा ही है ना या दरखास्त है अब ये जहनीत जो इंसानों के दरमियान होती है इस जहनीत को हम अल्लाह ताला की तरफ ले जाते हैं और कहते हैं मैंने ताली से दुआ की थी कि मुझे ट्विन्स चाहिए अल्लाह से मैंने दुआ की थी कि मेरे इतने पैसे जमा हो जाए कि मैं मोटरसाइकिल ले लूँ या अल्लाह ताला से मैंने ये दुआ की थी कि ये जो है बेटी का रिश्ता ये इस साल हो जाए या ये जो है ये ये हम हमारी तो होती हैं कि इस साल कुछ हो जाए इस महीने कुछ हो जाए या इस तरह से हो जाए या इस तरह का हो जाए या ये ये वाला घर मिल जाए या ये वाला रिश्ता बन जाए इस तरह की हमारी बड़ी स्पेसिफ़िक रिक्वेस्ट होती है और ज़िंदगी क्या है कि हम दुआएं बहुत सारी करते हैं कई दफ़ा अल्लाह ताला वो जो एग्जैक्ट चीज़ हमें चाहिए होती जैसे मैंने आपसे पराठा मांगा वही पराठा आ जाता है अल्लाह ताला की तरफ से लेकिन कई दफा क्या होता है हम मांगते कुछ है लेकिन एहसास ऐसा होता है कि कोई कुछ मिला नहीं। कुछ मिला नहीं सोचने की बात यह है कि आपने जो मांगा पहली इसमें भी अल्लाह ने हमें कुछ तालीम दी है हमें अल्लाह ने कहा है जन्नत के बारे में वोलाकुम फीहा वलकुम वोकुम मा मातदाह जन्नत में तुम्हें जो चाहोगे मिलेगा और जिस चीज का दावा करोग जिस चीज़ का मुतालबा करोगे वो तुम्हें दे दी जाएगी इससे पहली बात क्या निकलती है कि जो चीज मैं मांगू वो मुझे मिल जाए ये कहाँ की हकीकत है ?美味? ये जन्नत की हकीकत है ये दुनिया की हक, हकीकत थोड़ी है दुनिया में मैं जो मांगू मुझे मिलेगा ये तो अल्लाह तौर ने कभी नहीं कहा तुम पैसे मांगोगे मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा तुम गाड़ी मांगोगे मैं तुम्हें गाड़ी दे दूंगा तुम औलाद मांगोगे तुम्हें औलाद दे, दे दूंगा तुम सेहत मांगोगे तो मैं सेहत दे दूंगा ऐसे तो अल्लाह तारा ने कभी नहीं कहा कहा क्या है अस्त लकुम तुम्हारी दुआ का जवाब दूंगा अब हमारी ज़बान कुछ और है इंसानी ज़बान है हमारी सोच कुछ और है, हम सोच के मुताबिक सवाल पूछते हैं अल्लाह ताला का जवाब अल्लाह ताला की हिमत की बुनियाद पर होता है वो उसकी अपनी ज़बान में होता है और उसका जवाब हो सकता है जैसे याकूब आलम है तकलीफ़ में है उनसे ज़्यादा हम कौन कौन कम्पीट करेगा याकूब आलम की इबादत से वो तो नबी हैं अल्लाह ताली के उस नबी ने अपने औलाद की खैर के लिए कितने सालों दुआ की होगी इतनी दुआएँ इतना रोए होंगे कि वह अंधे हो गए अल्लाह ताला ने जवाब दिया लेकिन कब दिया कई साल तो दिया बीस साल बाद पच्चीस साल बाद पता नहीं कितने साल बाद उस दुआ का जवाब उन्हें मिला है फिर उनकी आंखें वापस आई हैं तो इतने साल वो जो गेट गेड़ गिड़ाए हैं क्या वो दुआएं ज़ाया गईं सवाल पैदा होता है ना तो उस उस किस्से के कि उसे ही समझ लें कि अल्लाह ताला ने जब यूसुफ् को अपने भाइयों के हाथ अगवा होने दिया फिर मारे गए पीटे गए कुएं में फेंके गए फिर वहाँ से ालिमि लोगों ने उठा के जिस बच्चे को आप गुलामी में बेचते हैं उसको आप जिस तरह ट्रीट करते हैं हमें पता होगा ठीक है ना उसके बाद वो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसके बाद उन पर गलत एल्ज़ाम लगाकर तहमत लगा कर जेल में नाानसाफ़ी से फेंके गए उनकी ज़िंदगी में टॉर्चर ही टॉर्चर ही टॉर्चर ये एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत के बाद तीसरी मुसीबत ये उनकी ज़िंदगी है लेकिन अंदाज़ा करें कि जब उनकी जो जो उनका जो गस्सा है उसमें तब्दीली आनी शुरू होती है और वो बादशाह के खाब की तबीर अल्लाह की वही से और जो हमत उन्हें सिखाई गई है उसकी बुनियाद पे वो करते हैं उसके बाद उन्हें गवर्नर की पोजीशन मिलती है फाइनेंस मिनिस्टर की पोजीशन मिलती है आ, मिसर में और अपने उस तबीर के हिसाब से वो बजट करते हैं कि सात साल खेती अच्छी होगी उसमें फिर भी खेती अच्छी भी हो तो खुल के नहीं खाना सेविंग्स करनी है क्योंकि उस सात फिर उसके बाद मज़ीद साथ, साथ कहर पड़ना है उस कहर में जो सेविंग्स की थी उससे ही खा के गुजारा करना है जो बचाया हुआ था जो गन्ना बचाया था फिर उसके बाद एक आखिरी साल आएगा जिसमें बहुत कामयाबी होगी उसके बाद से नॉर्मल हो जाएगा ठीक है यह पंद्रह साल का उनका एक फाइनेंशियल प्लान था जो अल्लाह ताला ने उनको दिया अब अंदाज़ा करें अगर वो जेल में ना होते तो उनकी कभी उस जो उनका उनके साथ था जिस जिस जिसकी उन्होंने मदद की थी उससे कभी बात ना हुई होती और जिससे उनकी बात हुई थी वो रिहा हो गया वो जो है वो बादशाह का जो जो जाम डालने वाला था वो था तो जब बादशाह को ख्वाब आया और उसको समझ नहीं आ रहा ये ख़्वाब क्या इसका क्या मानना है तो उसके जहन में यूसुफ ना आते जो उन जेल में मिले थे वो जेल वापस जाकर उनसे बात ना करता कि भाई ये ये ख्वाब है इसके इसका क्या मतलब है वो फिर आकर बाहर आकर उसकी ताबीर ना करते अगर वो ताबीर ना करते तो कहर होता सात साल बाद और लाखों बच्चे मरते एक या दो नहीं यानी एक तो ये किस्सा है कि एक बाप से एक बच्चा बिछड़ गया राइट जुल्म के जुल्म के, के अंदर से, कि, से कितनी औलादे अल्लाह ताला ने बचाई हैं और उन तमाम औलादों के बचाने का और उन तमाम जानों के बचाने का जो सवाब है वो ना सिर्फ यूसुफ़ को मिल रहा है लेकिन उनके वालिद को भी मिल रहा है जो सबर कर रहे हैं जो दुआएं कर रहे हैं और सबर कर रहे हैं अल्लाह तला ने जवाब तो दिया लेकिन जवाब ऐसा दिया कि दुनिया और आखिरत की दोनों को मिलाकर उसकी खैर का जवाब दिया और हो सकता है कि हमारी तकलीफ़ में किसी और की अल्लाह तला ने बहुत बड़ी ख़ैर डाल दी हो ऐसा भी हमें नहीं मालूम अल्लाह का प्लान हमें नहीं मालूम किसी को नहीं मालूम था कि ये असल में अभी तुम अगवा हो जाओ अभी कुएं में गिरा जाओ लेकिन तुम्हें एक बीस पच्चीस साल बाद तुम्हें ख़्वाब की तबीर करनी है ये उसके उसके मकसद से तुम्हें अभी डाला जा रहा है यहाँ पे पहले से नहीं बताया जाता अल्लाह ताला में तला कहनाब अल्लाह अलल अल्लाह पर यह जिम्मेदारी नहीं है कि तुम्हें वो गैब की खबरें बताता रहे कि क्या प्लान है तुम्हारे साथ क्यों किया जा रहा है तो इसीलिए दुआ जो हम अल्लाह ताला से करते हैं उसमें पहला पहली पहली चीज़ का जो लिहाज करना है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मुझे अपनी जिस चीज़ से इतनी मोहब्बत है कि मैं मांग रहा हूँ पहले तो मैं यही समझ लूँ कि अल्लाह ताला को मुझसे खुद से भी कहीं ज़्यादा मोहब्बत है और मेरी भलाई की जितनी मुझे अपनी ख़ुद को फिक्र है उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला को है कहीं ज़्यादा यानी उसका इंफिनटली ज़्यादा अल्लाह ताला को मेरा ख्याल है तो जब वो देता है अपने हिसाब से तो उसमें मोहब्बत है और जब वो नहीं देता तो उसमें भी बेतहाशा मोहब्बत है और हमत है वह मुझे सज़ा नहीं दे रहा ये जहनीयत इंसान के अंदर आ जाए तो फिर जब वो खास चीज़ें मांगता है ना क्योंकि खास चीज़ों में हमें नहीं पता कि उसमें खैर है या शर है मेरा एक दोस्त हुआ करता था वो पहले गैर मुस्लिम था उसके उसको बड़ा शौक था कि वो जो जो ना वो मेडिकल स्कूल जाए वो जा नहीं सका वो जगह जगह अप्लाई कर रहा है परफेक्ट स्कोर है उसके जगह जगह अप्लाई कर रहा है उसको मेडिकल में दाखिला ही नहीं मिल रहा आखिरकार जो उसकी लास्ट चॉइस थी यूनिवर्सिटी की उसमें वो गया वहाँ उसकी कुछ दोस्तों से जान पहचान हुई उन दोस्तों के जरिए वो मुसलमान हो गया वो इस्लाम में आया ही इस वजह से कि उसकी सारी एप्लीकेशन्स रिजेक्ट हो गई और जाके बाद में जाके उसने यू नो शादी की फैमिली है उसके बच्चे ने अब यू नो कुरान याद कर लिया है उस कर लिया है वो पढ़ाते भी हैं और यानी उसकी फैमिली में एक नस्लों से हिंदू चले आ रहे हैं नस्लों से ईसाई चले आ रहे हैं नस्लों से बुद्धिस्ट चले आ रहे हैं और अब इस एक फैसले की एक मुसीबत की वजह से अब नस्लों से मुसलमान इनशा आगे राइट right? किसी को क्या पता कि कौन सी मुश्किल से क्या नमत निकलेगी क्या मालूम तो हम जब ये कहते हैं कि हम मदाल से मांग रहे हैं मांग रहे हैं, मांग रहे हैं और हकीकत नहीं बदल रही तो ये एक, एक उसका एक पहला पहलू है एक इस चीज़ का दूसरा पहलू है वो इनशाला मैं कल यानी वोसा नहीं करना उससे वाली बात अभी बाद में करेंगे लेकिन दुआ के बारे में दूसरी बात मैं कल करूंगा कि हमें जो कुरान में अल्लाह ताला ने दुआएं सिखाई हैं उनसे एक चीज़ अखज करनी है कि दुआ करने का करने की जहनीय क्या होती है हम क्या मांगते हैं और क्या तो होनी चाहिए उसकी छोटा सा मैं इशारा कर दूँ कि हम अक्सर ये दुआ करते हैं कि सूरत हाल बदल जाए राइट हमारे इर्द गिर्द की जो दुनिया है वो किसी ना किसी तरह बदल जाए या कोई और बदल जाए कोई कोई बीवी कहती है या अल्लाह मेरा मेरे शोहर को उसके दिल को बदल दे उसको नमाजी बना दे उसको ये कर दे उसको वो कर दे कोई और वो कहता है मेरी औलाद को सीधा कर दे कोई और कहता है मेरे वाले को मेरी तरफ़ माइल कर दे कुछ कर दे यानी हम किसी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं दुआओं में या किसी हकीकत को या किसी इंसान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं या।, या फिर किसी को राह से हटाने की <laughs> दुआ कर रहे हैं राइट ख्याल आना चाहिए कि फ़िरौन ने कितने लोगों का कत्ल किया है लेकिन मूसा इस्लाम ने एक दफ़ा भी निकाया अल्ला बस फिरन को मार दे फिर क्या क्या मुश्किल है क्या ज़रूरत है इस सब मुसीबत की एक वो मर जाएगा तो फिर बात ही ख़त्म मसला ही ख़त्म एक ही दुआ का क, 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 की मुश्किल है ना रसूल इसमें एक दुआ करें तो बदर में सारे तबाह हो जाएँ मारके से पहले ही सारे काफी तबाह हो जाएँ उसमें क्या दे रहे उन, उन्होंने तो दुआ भी नहीं की थी उन्होंने तो सिर्फ आसमान की तरफ़ देखा था सल्ला वसम अल्ला ने क़िबला बदल दिया किबला के मक्की की तरफ नालाबा वजही का फ़िस समाई उनकी उनकी अल्ला से जो जो क़ुरबत है उसकी बुनियाद पर जब रसूल मांगेंगे तो अल्लाह तो देंगे तो सवाल पैदा होता है उन्होंने क्यों नहीं मांगा हकीकत बदलने की दुआ क्यों नहीं की और फिर क़ुरान ने जो दुआएँ सिखाई हैं उसमें आप देखेंगे कंसिसटेंटली हकीकत बदलने की बात नहीं हो रही तो बात क्या हो रही है और जो हो रही है उससे हमें तला क्या सिखा रहे हैं कि अल्लाह ताला से कैसे हम कलाम होते हैं कैसे बात करते हैं और दुआओं की असल जो दुआओं के पीछे जो असल सोच है और साइकोलॉजी है उसको किस तरह ठीक करना है क्योंकि अगर हम ये समझेंगे कि ये जन्नत है मैंने तो ऑर्डर प्लेस किया था मुझे तो डिलीवरी नहीं आई तो हमने दुआ को अमेजान बना दिया है <laughs> चलो तो ये ये चीज़ गलत है इसको फिक्स करने की ज़रूरत है और इन शाली इससे हमारा ताली से जो जो ताल्लुक है वो एक खूबसूरत ताल्लुक रहेगा और इससे कोई असर नहीं पड़ेगा इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारी जो अपनी पर्सनल ख्वाहिशा थी वो आई या ना आई अल्लाह से हमें अच्छी तो है कि वो देगा लेकिन हमारी ख्वाहिशा ना आने से हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक कभी यू नो खराब नहीं होगा या बुरा गुमान जहन भी नहीं आएगा कि अल्लाह ने मेरी बात नहीं सुनी यू नो तो इसी पे आज इक्तफा करते हैं इन कल मैं इस इस पे मैं कुरान की कुछ दुआओं का जायजा लेंगे और देखेंगे कि इससे हम क्या सीख सकते हैं बारक बारकल सामकम वरमक थैंक्स माम I know you were tired today.